एकमत है। ये जो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक छोटी सी बच्ची के साथ जो भी अत्याचार किया है वो बहुत ही निंदनीय है और घृणित कार्य है। हम सभी उसका निंदा भी करते हैं और आज हम सब उसी के लिए इकट्ठे हुए कि दोबारा इस तरह की कोई भी घटना किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ या किसी भी नारी जाति के साथ इस तरह की घिनौनी घटना अंजाम न दिया जाए। हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमें इसकी भर्त्सना करते हैं। इतने शर्म की बात है कि हमारे आज यहाँ पे हर एक महिला का दिल भरा हुआ है, आंख भरी हुई है। आप प्रधान ग्राम पंचायत कुमार सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए भी एक बहुत ही शर्म की बात है आज जो हमारे क्षेत्र में ये घटना घटी है। ये नहीं होना चाहिए, पर हमारी शर्म किस बात पे आती है कि लोग चुपचाप होकर ये चीज देखते रहते हैं, विरोध नहीं करते हैं। आज भी हम लोगों ने सबको बुलाया हुआ है लेकिन बहुत कम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं। ये सबके लिए शर्म की बात है। बच्चा आज उनका है, कल हमारा भी हो सकता है। ये चीज लोग नहीं समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन से और यहाँ के अपराधी के खिलाफ, क्या अपराधी के बारे में क्या कहना है जिसने ये इल्जाम दिया है? हम चाहते हैं कि अभी तक किन धाराओं में उनके अंदर ये केस रजिस्टर हुआ है? देखिए, एक अफसोस की बात यहाँ पे ये है कि 5 दिन बीतने के बाद धारा उसके बाद क्षमा कीजिएगा, आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को अच्छे स्तर पर उठा रहे हैं। एक शर्मनाक और दुखद बात ये है कि प्रशासन जो यहाँ का है वो कोऑपरेटिव नहीं है। यहाँ पर मलैंडी के प्रधान जी है, सुमासन के हैं, जाते हैं, दीप के हैं और समझ जाता है। हम लोग एक चीज आप लोगों को संज्ञान में लाना चाहते हैं कि आज 6ठा दिन इस दुर्घटना को होके हुआ है जो बहुत दुखद है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस बाजार में क्या कार्रवाई की? शराबी यहाँ पे घूमते रहते हैं, निशेटी यहाँ पे घूमते हैं, पुलिस वालों की यहाँ पे हमने छवि नहीं दिखी। क्या पुलिस प्रशासन का काम सिर्फ चलान काटना है? अगर किसी ने बीड़ी पी ली वो इनके लिए उपलब्धि है कि उसका चलान करो। आप प्रधान ग्राम पंचायत में लैंडी है, एक और सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में नारा लगा रहे, जो ये यहाँ पे घटना घटी है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमारे पास एरिया में ये चीज हुई है, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। हम क्या उम्मीद चाहेंगे प्रशासन से? ये चाहेंगे हमारा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है कम से कम सेफ रहे। ये दुर्घटना हम पहले बाहर सुनते थे, अब हमारे यहीं पे हमारे आसपास ऐसा लग रहा है तुम तो बच्चों को लेके हमारे को तो उनके साथ बाजार जाएंगे, कहाँ नहीं जाना पड़ता बच्चों को, हमारे उनके साथ हर जगह जाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे इस बारे में और आरोपी को भी सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करे। ग्राम पंचायत अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ, अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदमी को सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। कुमारसेन की जनता जागरूक बनो, जागरूक बनो, जागरूक बनो। कुमारसेन की जनता जागरूक बनो, जागरूक बनो, जागरूक बनो। पार मंडल हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पार मंडल हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पार मंडल हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पार मंडल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पार मंडल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बहू बेटियों के साथ खड़ा हो, खत्म करो, गुंडागर्दी खत्म करो, खत्म करो भाई, खत्म करो। पार